हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। अभी ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, हैंड रिटन सीरीज़, इसमें देखिए मैं नॉर्मली जो लेक्चर्स डालता हूँ वो तो डाल ही रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरीके के लेक्चर्स होंगे जो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के लिए ही हैं। मतलब एक्चुअल मैं आपको लिखने के लिए अगर आ रहा तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको बहुत सारा डेटा याद करना, डेटा को जब तक आप सिस्टमेटिक वे में अपने दिमाग में नहीं उतारेंगे तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते। तो मैं आज अभी अपर लिम की सारी मसल्स अभी आपको बताऊंगा कैसे याद करनी है आपको, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है। उसी वे में आप लिख कर अपने कमरे में टांग दीजिए, जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा कर रख दीजिए, आते जाते 3-4 बार उसको देखिए और आपको सारी मसल्स याद हो जाएंगी। बिलीव मी 100% याद हो जाएंगी अगर आप 2-3 दिन इसको रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम जो है एनाटॉमी में वो मसल्स का बारे में, उनकी पूरी सीरीज, उनका ओरिजिन, उनका इंसर्शन, उनकी नर्व सप्लाई, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक है। हमारी बॉडी कोई ऐसा नहीं है, हम इसको सिस्टम बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ सिस्टमेटिक है। हैवेजर्ड वे में कुछ भी नहीं है कि आपने सोचा कि भाई अगर ऐसा है तो मतलब कैसे याद करूं। बात यह है कि किस तरीके से आप उसको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से सारे पॉइंट्स को आप सेग्रीगेट करते हैं तो आपके दिमाग में रहें। और दूसरा, ये मसल्स पे पहले मैं बनाऊंगा, अपर लिम पे, फिर लोअर लिम पे, फिर स्कल पर, फिर आपके ट्रंक पर, एब्डोमेन पर, जितनी मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई, उनकी ब्लड सप्लाई। तो इनकी ये शॉर्ट वीडियो बीच बीच में मैं डालता रहूँगा, जिससे कि आपका एक मोटिवेशन लेवल हाई रहे कि हाँ मुझे कुछ सब्जेक्ट में आता है, मुझे धीरे धीरे आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ ठीक है, अगर अपर लिम की बात चल रही है तो मुझे इसकी नर्व्स पता है, इसकी मसल्स पता है, इसकी सप्लाई पता है। तो इसलिए अभी आप इसको पढ़ें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों को जब तक आप इस चैनल को ग्रो नहीं करेंगे तो मेरे को भी कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आप, इस चैनल से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब तक आप लोग राइट फीडबैक नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन किसी भी बात का निकलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मसल्स। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पर आप याद कर लीजिए कि करीब करीब अपर लिम में 60 मसल्स होती हैं जो अपर लिम के काउंटिंग में आपके आती हैं। अब वो 60 मसल्स को याद करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा हैंड से शुरुआत करते हैं। तो मसल्स ऑफ हैंड, जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए कहीं लिखना चाहते हैं तो। तो देखिए, मसल्स ऑफ हैंड की अगर मैं बात करता हूं तो हैंड की जो मसल्स हैं वो 2 कैटेगरीज में बांटी जा सकती है पढ़ने के लिए। एक को मैं बोलता हूं इंट्रिंसिक मसल, और दूसरी कैटेगरी को मैं बोल सकता हूं एक्सट्रिंसिक मसल। ये जो इंट्रिंसिक मसल है, अगर मैं इन मसल्स की बात करूं तो इन मसल्स का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं हमारे हैंड के बोन्स से, हैंड की बोन से या टेंडन से ही उनका ओरिजिन हुआ होता है। और ये बेसिकली जो वर्क करती हैं हैंड पर करती हैं, और ज़्यादातर इनका ओरिजिन और इंसर्शन रिस्ट के बाद ही, रिस्ट का जो रिस्ट जॉइंट के बाद ही शुरू होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ याद करने के लिए, लोकेटेड विद इन द हैंड इटसेल्फ। तो फिर एक्सट्रिंसिक मसल कौन सी है? एक्सट्रिंसिक मसल वो है जिनका इंसर्शन आपके हैंड की कार्पल, मेटाकार्पल या फैलेंजेस पर होता है, लेकिन उनका ओरिजिन कभी भी रिस्ट जॉइंट के बाद नहीं, रिस्ट जॉइंट से पहले होता है, यानी फोर आर्म में से उनका ओरिजिन होता है। तो उनका ओरिजिन फोर आर्म से हो सकता है, तो इसीलिए उसको क्या बोल सकता हूँ मैं, लोकेटेड इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ फोर आर्म। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, लोकेटेड इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। तो एक्सट्रिंसिक मसल कहीं ना कहीं वो मसल्स हैं जो फोर आर्म की मसल्स हैं,
लेकिन वो एक्ट कहाँ करती है, हैंड पर। तो अभी इसको हम समझेंगे कि इसको याद कैसे रखना है। पहले हम फोकस करते हैं इंटरेसिंग मसल। तो इंटरेसिंग मसल के फंक्शंस क्या है, अगर मैं बोलूं तो ये फाइन मोटर फंक्शंस, जैसे मैंने ये पेन पकड़ रखा है, अब जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो लिख रहा हूँ तो ये पेन पकड़ रखा है, ये सब किसकी वजह से, ये फाइन मूवमेंट है। और ये क्या है, इट प्रोड्यूस क्रूड और फोर्सफुल मूवमेंट। अब आपको पानी की भरी हुई बाल्टी उठानी है तो उसके लिए कोई ज़्यादा आपको स्किल नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए कि आपके फोर आर्म की मसल्स में ताकत होनी चाहिए। तो इसीलिए क्रूड या फोर्सफुल मूवमेंट के लिए आपकी कौन सी मसल यूज़ होती है, एक्सटेंसिंग। लेकिन फाइन मूवमेंट जैसे पेन है या सुई में धागा डालना है या किसी पेपर को या आपको किसी पेपर को होल्ड करना है, तो ये सब जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं ये किसके काम होते हैं, इंटरेसिंग मसल के। तो ये हो गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इंटरेसिंग मसल को याद रखूँ तो यहाँ पर इंटरेसिंग मसल कितनी होती है, टोटल 20। ये अंदाज़ा बता रहा हूँ, अलग अलग बुक में कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा मुझे किसी बुक में कोई मैटर मिला नहीं है आज तक, जितनी भी बुक्स मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप मोटा तौर पर याद कर लें कि इंटरेसिंग मसल कितनी होती है, 20 होती हैं। इंटरेसिंग मसल जो 20 होती हैं उनका आप डिवीज़न देखते हैं। देखिए, इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं लम्बराइकल्स, एक जो कैटेगरी है उसको हम बोल सकते हैं इंटर ओसाई, एक जो कैटेगरी है उनको बोलते हैं थिनार मसल्स, और एक जो कैटेगरी है उनको बोलते हैं हाइपो थिनार मसल्स। ठीक है, लम्बराइकल के केस में याद रखिए आप कि इसकी जो नर्व सप्लाई होगी लम्बराइकल्स में क्या आ रहा है, यू एंड एम। तो यानी लम्बराइकल्स की नर्व सप्लाई किससे होती है, या तो अल्नर नर्व से होगी या आपकी मीडियल नर्व से होगी। क्लियर। लम्बराइकल्स की काउंटिंग क्या है, लम्बराइकल्स होती कितनी है, लम्बराइकल्स टोटल होती हैं चार। कितनी होती है, चार। अब इनकी अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूं तो जो आपकी, देखिए चार होती हैं, तो मान लीजिए आपकी फिंगर्स कौन कौन सी होती है, भाई पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम फिंगर्स। फिंगर्स में हमारी होती है, देखिए इंडेक्स फिंगर हो गई, इंडेक्स फिंगर हो गई, उसके बाद हमारी मिडल फिंगर हो गई, फिर रिंग फिंगर हो गई, और उसके बाद लिटिल फिंगर हो गई। ठीक है, तो लम्बराइकल्स में जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर को जो सप्लाई जाएगी, इंडेक्स और मिडिल को, तो मिडिल के लिए कौन सी जाएगी, मीडियल। तो इंडेक्स और मिडिल फिंगर को कौन सप्लाई करेगा, मीडियल, और रिंग और इसको कौन सप्लाई करेगा, अल्नर नर्व। तो ये आपको लम्बराइकल में याद रखना है, यू और लम्बराइकल के, यू और एम का मतलब क्या है कि इसके अंदर अल्नर नर्व या मीडियल नर्व की सप्लाई होगी। और याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि मिडिल एम आई ये मिडिल से होगी, है ना, और अल्नर एल और आर ये किससे होगी, अल्नर, अल्नर में आर और एल आता है और मीडियल में एम और आई आता है। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट को, बिल्कुल दिमाग में रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, लम्बराइकल्स की काउंटिंग कितनी बताई मैंने, फोर, और इनका फंक्शन किससे एसोसिएटेड होता है ये याद रखिए, एसोसिएटेड टू द फिंगर्स। ये किससे एसोसिएटेड रहती हैं, ये मसल्स फिंगर से एसोसिएटेड रहती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनका जो ओरिजिन या इंसर्शन जो होता है वो हमेशा किस में होता है,
टेंडन में होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी सारी मसल्स का ओरिजिन बोन से होता है, बोन पे ही इंसर्शन होता है, लेकिन लम्ब्राइकल्स का ओरिजिन भी टेंडन से होता है और इंसर्शन भी किससे होता है आपका? टेंडन पर ही होता है। और कौन सी मसल के टेंडन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो उस मसल का नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। आई होप यहाँ तक आपको एक मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लग गया होगा कि हमें लम्ब्राइकल के बारे में ये सब पता होना चाहिए। तो लम्ब्राइकल की काउंट कितनी हो गई? ये। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इंटरोशाई, तो इंटरोशाई की सप्लाई कौन देता है? सिंपल, अल्नर नर्व। बहुत ही आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अल्नर नर्व इसको करती है, और लोकेशन क्या होती है? दे आर लोकेटेड बिटवीन मेटाकार्पल्स। याद रखना, अगर कोई पूछे कि भाई इनकी पोजीशन क्या है, तो ये सुपरफिशियल होती है बहुत ज़्यादा। मतलब जब आप डाइसेक्शन करेंगे, स्किन हटाते हैं, तो स्किन के, अगर हैंड की स्किन आप हटाएंगे, तो सबसे पहले ये इंटरोशाई मसल ही आपको देखने को मिलेगी। और इनको भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक को बोलते हैं हम डोर्सल इंटरोशाई, और एक को बोलते हैं पाल्मर इंटरोशाई। तो डोर्सल इंटरोशाई, ये डोर्सल सरफेस है, इस तरफ होंगी, और पाल्मर इंटरोशाई इस तरफ होंगी। और कहाँ होंगी? मेटाकार्पल। ठीक है, तो हमारा मेटाकार्पल रीजन कौन सा? ये। तो ये जो बीच में जो मसल आ रही है, ये सारी, ये क्या है? इंटरोशाई। ठीक है, डोर्सल इंटरोशाई के बारे में लिख लीजिए, मोस्ट सुपरफिशियल इन ऑल द डोर्सल मसल्स ऑफ हैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसको लिखें। और पाल्मर इंटरोशाई, लेकिन इसमें पाल्मर इंट्रोशाई में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पाल्मर इंट्रोशाई का बस फंक्शन लिख लो, ये कहाँ पर होगी? पाल्मर इंट्रोशाई होगी, इसका फंक्शन होता है एडक्शन। और कौन से सरफेस पर होती है? वेंट्रल सरफेस पर होती है। पाल्मर को ही वेंट्रल बोलते हैं ना हम, तो डोर्सल बोल लो, और इसको वेंट्रल सरफेस भी हो सकती है। वेंट्रल सरफेस ये क्या कराएगी? एडक्शन। तो ये क्या कराएगी भाई? ये कराएगी एबडक्शन। अब पूछते हैं भाई इसकी काउंट, तो देखिए डोर्सल इंटरोशाई होती है 4, और पाल्मर इंटरोशाई होती है 4, और कुछ बुक्स में होती है 3, डिपेंड करता है कि आप किस राइटर को। वैसे 4 मान के चलिए आप, 4 4 तो काउंटिंग खराब नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन मान के चलिए कि किसी किसी बंदे के अंदर 3 भी होती हैं। तो टोटल लम्ब्राइकल हो गई हमारी 4, इंटरोशाई हमारी हो गई 8। कितनी हो गई? 8 और 4 12। टोटल मैंने कितनी बताई थी मसल? 20। अब बात करते हैं थिनार मसल्स की। थिनार मसल क्या है? थिनार मसल क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है थिनार एमिनेंस। एमिनेंस मतलब अ ग्रूव, एक उठा हुआ हिस्सा। अब देखिए, अब आप अपना हाथ जब आप देखते हैं, तो इतना पोर्शन आप हाथ से फील करेंगे, तो ये उठा हुआ होता है ये पोर्शन, और ये पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपोथिनार, और इसको बोलते हैं थिनार। तो ये थिनार प्रोमिनेंस है, देखिए साइड से देखने पर ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, और ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है। तो ये थिनार एमिनेंस है, और ये हाइपोथिनार एमिनेंस है हाथ में, और ये फिर डिप्रेशन होता है मिडिल पोर्शन पर जाकर। तो ये थिनार मसल्स होती हैं जो इस तरफ होती है, और हाइपोथिनार मसल इस तरफ होती हैं। थिनार मसल, अब देखिए हैंड में अगर जब हम सुपाइन पोजिशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये थिनार में इसकी जो
नर्व सप्लाई होती है, सिंपल याद कर लो, इसकी सप्लाई होती है मीडियल। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व, मीडियन मीडियन, ठीक है। कौन सी होती है? मीडियन नर्व होती है। और हाइपोथिनार क्या बनाती है? थिनार एमिनेंस बनाती है। क्या बनाती है? थिनार एमिनेंस। और इसमें क्या, ये किससे सप्लाई होती है? ये हमेशा सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। तो ये क्लियर कट याद होता जा रहा होगा आपको, है ना। तो मीडियन नर्व से सप्लाई होती है, थिनार एमिनेंस बनाती क्या है लिख लेते हैं, बल्ज एट द बेस ऑफ थंब। ये क्या बनाएगी? बल्ज एट द बेस ऑफ लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर के बेस पर बल्ज बनाएगी, ठीक है। इसमें कितनी होती है? इसमें होती है थ्री शॉर्ट मसल, थ्री शॉर्ट मसल। और इसमें भी कितनी होती है? थ्री शॉर्ट मसल, छोटी छोटी मसल होती है। ठीक है, तो थ्री शॉर्ट मसल कौन कौन सी होती है, उनके नाम देख लेते हैं। एक होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। दूसरी होती है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, POLLICES है वो, ठीक है। एबडक्टर के बाद ओपोनेंस पॉलिसिस। भाई यहाँ पर पॉलिसिस का मतलब होता है थम, और ये थिनार, थिनार इज फॉर थम। थिनार से आपको क्या याद रखना है? थम। तो थम की जितनी मसल्स हैं इस एरिया में, जितनी मसल होंगी उनमें क्या वर्ड आएगा? पॉलिसिस। तो ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, पॉलिसिस वर्ड आ गया तो मतलब वो थिनार एमिनेंस की हो गई। अब हाइपोथिनार की तरफ क्या है आपके डिजिट्स? तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल होंगी? फ्लेक्सर डिजिटाई ब्रेविस, दूसरी होगी एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, तीसरी होगी ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमी। तो ये तीन मसल इधर हैं, तीन मसल हैं। अब इसके अलावा दो मसल और होती हैं, उन मसल्स का ओरिजिन इन मसल्स के आसपास से नहीं होता, और उन मसल्स का नाम याद रखना है। एक तो इसी साइड में थिनार मसल वाली साइड में एक होती है एडक्टर पॉलिसिस। देखिए है ये भी पॉलिसिस वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, थंब के साइड की मसल, लेकिन ये थिनार मसल्स के ग्रुप में नहीं आती, ये अलग से आती है। और इधर भी एक मसल आती है जिसको बोलते हैं पाल्मेरिस ब्रेविस। तो टोटल थिनार मसल कितनी होगी? 3+1=4, और हाइपोथिनार 3+1=4। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसको आप याद रखना, एडक्टर पॉलिसिस और पाल्मेरिस ब्रेविस की नर्व सप्लाई सेम नहीं होगी, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी नर्व सप्लाई अलग से पढ़नी है। लेकिन बस आपको याद रखना कि ये जिस ग्रुप में है, आई होप आपको पूरा हैंड की ये 20 मसल्स का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। एक दो बार रिवाइज करिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, इस पर कोई डरने वाली बात नहीं है कि इतना सारा डेटा हम कैसे याद करेंगे। अरे डेटा याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको बिल्कुल एकदम इसको रटवा दूंगा, कोई आपसे वाइवा में कभी आपको हरा नहीं पाएगा। आपको इतना अच्छा तैयार करा देंगे हम, मसल्स बोन नर्व सप्लाई ब्लड्स एनाटॉमी, मतलब एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट अगर तरीके से पढ़ा जाए तो।
तो अब ये हो गया हमारा सारा फाइन फंक्शंस के लिए जो 20 मसल्स हमने कैटेगराइजेशन दिया था इनको, तो इसमें हमारा हो गया इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सट्रिंसिक मसल का क्या रोल है इसमें।